संभा मैं गिरा, मुझे संभा मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस, आप प्रभु का दास एंड सूरज से वजन से बांटा जाएगा। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सुबह के हमारे अध्ययन के लिए हम एक भाग को देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 की 8वां कलम से मैं पढ़ना चाहता हूँ। बुक ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्स 8 ऑनवर्स। एक कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो गए, तो वह दिया जलाकर घर झाट बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर कोसती न रहे, और जब मिल जाते तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। प्रभु इस पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। ये दृष्टांत हम पिछले दिनों में खोए हुए भेड़ों के दृष्टांत के पीछे कई सच्चाई को देखा। इस प्रकार यहाँ भी एक स्त्री अपने पास रहते हुए एक बहुमूल्य सिक्का खो गया। प्यारो, ये दृष्टांत हमको ये सिखाते हैं, स्त्री से खोए हुए सिक्का उनके पास थी और उनके हाथ में रहते थी, परंतु अभी खो गया, इसलिए बहुत निराश हो गई, दुखी हो गई। ये सच है कि उनकी जीवन में ये पाने के लिए बहुत कोशिश किया। प्यारो, यह दनबाड़ी में यही हुआ। स्त्री ने अपने पास दिया गया सुंदर और महत्वपूर्ण आशीष को खो दिया, और हम पढ़ते हैं उनकी जीवन में ऐसी परिस्थिति आया कि उनको ना मिले तक तब तक उनके मन में कोई खुशी नहीं आया। हम जानते हैं उनसे कोई निवारण नहीं हुआ, और उनकी द्वारा उनका पति भी आदम भी पाप में गिरा और खोया हुआ नष्ट हुआ सिक्के के समान परमेश्वर ने दिया उस आत्मिक जीवन को नष्ट कर दिया। अभी हम यहाँ पढ़ते हैं ये स्त्री दिया जलाकर उसको खोजते हैं, उसको ढूंढते हैं। आप प्यारो, यही हम परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं। स्त्री ने खो दिया परमेश्वर के साथ ये संगति। हम बढ़ते हैं काल संपूर्ण गा में स्त्री के द्वारा प्रभु यीशु इस जगत में जन्मा। उनके बारे में ऐसा लिखा है, मैं जगत का ज्योति हूँ। अब प्यारो, स्त्री दिया जलाकर अपने खोए हुए सिक्के को ढूंढते हैं। इस प्रकार मरियम से जन्मा हुआ हमारा प्रभु दिया बनकर, जगत का ज्योति बनकर, सारे जगत की ज्योति बनकर
ये धरती में आया, हम खोए हुओं को पाया, और हम यहाँ बढ़ते हैं। दिया इसलिए जलाया ताकि अंधकार है, खोरा अंधकार है, और इतना भी नहीं, वापस मिट्टी में चला गया है, इसलिए झाड़ बुझाना पड़ता है। झाड़ बुझाकर खोजते थे कहाँ गिरा कहाँ पड़ा, अंधकार और धूल में पड़े हुए, पापांधकार और पाप की परिणाम जो धूल, वापस मिला मनुष्य वहाँ से खोजने के लिए, ढूंढने के लिए हमारे प्रभु इस धरती में आया। प्यारो, कितना आनंद की बात है, स्वर्गदूतों के बीच में कितना आनंद होते हैं जब मसीह के जन्म के समय में हम देख सकते हैं स्वर्गीय दूतों गीत गाते हैं, परमेश्वर की उन्नति में महिमा देते हैं, प्रसन्न काल मनुष्यों के बीच में आया करके दूतों की आनंद हम देखते हैं। इस प्रकार ये दूसरा दृष्टांत में हमारी बहुमूल्य अवस्था को खोए हुए स्थिति में एक स्त्री ने डाल दिया, दूसरे स्त्री के द्वारा इस सारे जगत में मसीह के द्वारा उद्धार आया। प्यारो, असुबह ये धन्य अवस्था को, हमारी मूल्यता हमको वापस मिला, एक बार हमारा मूल्य नष्ट हुआ, भले हम कितना भी मूल्यवान हो, नष्ट हुआ था, परमेश्वर ने हमारी ओर उस मूल्यवान अवस्था को, उस अनंत जीवन की अवस्था को, परमेश्वर के साथ जो संगति हमारे जीवन में वापस लाया। इस धन्य आशा के लिए, धन्य अवस्था के लिए, धन्य स्थिति के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। जय मसीह।